ब्यूटी ब्लश, आई एम डिम्पल और आज के इस वीडियो में आपको बताऊंगी एलोवेरा जेल हैक। यस गाइस, मैं एलोवेरा जेल को यूज करने के 12 डिफरेंट तरीके बताऊंगी, 12 डिफरेंट वेज टू यूज एलोवेरा जेल। और आप इसे डेली लाइफ में यूज कर सकते हैं क्योंकि ये बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल रहेगा। आप जैसे एलोवेरा जेल को फेस पे लगा लेते होंगे या तो हेयर स्पेस से ज्यादा आप नहीं यूज करते होंगे, तो चलिए वीडियो देखते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले गाइस मेरी एक रिक्वेस्ट है, अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब टू माई चैनल, इट मीन्स सो मच टू मी लाइक रियली। और मेरे इंस्टाग्राम अकाउंट पर भी मुझे फॉलो कर लेना, वहाँ पे मैं डेली मेकअप एंड ब्यूटी टिप्स देती रहती हूँ। अगर आप देखना चाहते हैं तो जरूर फॉलो कर लेना। एंड वीडियो में आगे बढ़ते हैं। अगर आपको पार्टी में जाना और आपके हाथों में छोटे छोटे टाइनी हेयर्स निकल आए, आपके पास इतना टाइम नहीं होता है कि आप वैक्स कर पाए, तो दिस इज अ क्विक टिप फॉर यू। आप एलोवेरा जेल लीजिए और एक लेयर उसकी पहले अपने हाथ पे लगा लीजिए। और एलोवेरा जेल लगाने के बाद हम लेंगे ये कंडीशनर। यस, आपके पास कोई भी कंडीशनर हो आप वो ले लीजिए, या तो आप थोड़ा सा अमाउंट ऑफ शैम्पू भी ले सकते हैं, पर कंडीशनर से ज़्यादा अच्छा रहता है। इससे बहुत स्मूथली आपके बाल निकल आते हैं, जितने भी आपके छोटे छोटे टाइनी टाइनी हेयर्स भी निकल आते हैं। एलोवेरा जेल से एक लेयर बन जाएगी, उससे हेयर रिमूव करने में बहुत इजी हो जाएगा गाइस, बहुत। तो अगर आप वैक्स करना नहीं चाहते हैं, इतना टाइम नहीं है, तो आप ये वाला हैक ज़रूर एक बार ट्राई करके देखिएगा घर पे, आपको बहुत अच्छे रिजल्ट मिलेंगे और बहुत ही ईजिली आपके जो हेयर हैं वो रिमूव हो जाएंगे। उसके बाद आप टॉवल को गीला कर लीजिए एंड अपने हाथ को अच्छे से उससे पोंछ लीजिए। से बहुत सारे लोगों के पास फेस सीरम अवेलेबल नहीं होगा, तो आप फेस सीरम भी बना सकते हैं। इससे आपको एक किसी भी बाउल में या किसी भी कंटेनर में एलोवेरा जेल ले लेना है, आपको उतनी ही क्वांटिटी में लेना है जितना आपको चाहिए। नेक्स्ट आपको उसमें मिलाना है फ्यू ड्रॉप्स ऑफ गुलाब जल। गुलाब जल एक प्योर इंग्रेडिएंट है और बहुत ही ज़्यादा अच्छा रहता है हमारी स्किन के लिए, हमारे ग्लो के लिए। और सबसे अच्छी बात यह है कि ऑयल बेस्ड सीरम नहीं है, ये वाटर बेस्ड सीरम है, तो ये आपकी स्किन के लिए बहुत अच्छा रहेगा। ये ऑल स्किन टाइप पे चल जाएगा और इसे आप मेकअप लगाने से पहले एज अ मॉइस्चराइज़र के तौर पे लगा सकते हैं, आपका जो बेस है वो बहुत फ्लॉलेस होगा। इसके बाद जब आप फाउंडेशन लगाएंगे कोई भी, तो बहुत अच्छे से सेट हो जाएगी और बहुत अच्छे से फेस सीरम का काम करेगा। और सबसे अच्छी बात यह है आपकी स्किन में इजीली ब्लेंड हो जाता है, बहुत इजीली एब्जॉर्ब हो जाता है स्किन पे जाते ही। डार्क लिप्स, ब्लैक लिप्स किसको पसंद है गाइस? आप एलोवेरा जेल की हेल्प से अपने लिप्स को पिंकी बना सकते हैं। फर्स्ट आपको क्या करना है, आपको वैसलीन लेनी है या कोई भी आप जो लिप बाम यूज़ करते हैं, आपको एक लेयर लगा लेनी है वैसलीन की अपने लिप्स पर। नेक्स्ट आपको लेना है एलोवेरा जेल, ध्यान रहे कि आपका जो माउथ हो वो क्लोज हो, फिर आपको एलोवेरा जेल की एक लेयर लगा लेनी है। नेक्स्ट आपको उन दोनों को अच्छे से मसाज करना है अपने लिप्स पर। ये बहुत अच्छी मसाजिंग क्रीम है गाइस, बहुत अच्छी, ये आपके लिप्स की टैनिंग को, डार्कनेस को रिमूव करेगी, हेल्प करेगी आपके लिप्स को पिंकी बनाने में, ट्रस्ट मी। एंड इसके बाद आप किसी भी कॉटन से वाइप आउट कर लीजिए, इसे आप दिन में 2 बार करिए, फिर आपके लिप्स बहुत ज़्यादा सॉफ्ट और पिंक हो जाएंगे। लाइट मॉइस्चराइजिंग क्रीम लेनी है आपको, कोई सी भी आप लाइट मॉइस्चराइजिंग क्रीम जो आप लगाते हैं उसे आप अपने बैक साइड ऑफ द हैंड पे इस तरीके से निकाल लीजिए। नेक्स्ट आपको लेना है एलोवेरा जेल, आपको 2 to 3 ड्रॉप्स ऑफ एलोवेरा जेल लेनी है, उसे आप अच्छे से मॉइस्चराइजिंग क्रीम में अपनी मिक्स कर लीजिए एंड देन आप उसे यूज़ करिए एज अ प्राइमर। यस, मैंने ना एलोवेरा जेल को डायरेक्टली एज अ प्राइमर अप्लाई करके देखा है, पर मुझे इतना अच्छा रिजल्ट नहीं मिलता है, फिर मैंने मॉइस्चराइजर के साथ मिक्स करके इसे एज अ प्राइमर अप्लाई किया। गाइस ट्रस्ट मी, इसने बहुत बेटर वर्क किया, मेरे पोर्स बहुत अच्छे से फिल इन हो जाते हैं। इसके बाद जब मैं फाउंडेशन लगाती हूँ ना, मेरे को बहुत ज़्यादा फ्लॉलेस फिनिश मिलता है, प्लस जो ड्राई पैचेस की प्रॉब्लम होती है ना फाउंडेशन लगाने के बाद, वो भी नहीं होती है, बिल्कुल नहीं होती, और बहुत ही ईजिली ब्लेंड हो जाता है स्मूथली। तो आप ये वाला ट्रिक ज़रूर
अपनी फाउंडेशन अप्लाई करते टाइम यूज़ करिए, बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा आपके लिए ये। कॉटन का एक पीस लेना है, उसके ऊपर आपने टोनर निकाल लेना है। टोनर नहीं है तो रोज़ वाटर निकाल लीजिए, 2 to 3 drops आपको टोनर निकाल लेना है उस कॉटन में। नेक्स्ट आपको लेना है एलोवेरा जेल। एलोवेरा जेल को वहाँ पे अप्लाई करेंगे जहाँ पे आपके एक्ने, पिंपल्स, मार्क्स या कोई भी स्पॉट हो। नेक्स्ट आपको उस कॉटन को उसके ऊपर रख देना है, उसे आप ओवरनाइट छोड़ दीजिए या तो 3 से 4 घंटे के लिए छोड़ दीजिए। इससे आपके जो एक्ने हैं वो सप्रेस हो जाएंगे। गाइस बहुत ही अच्छा हैक है ये एक पिंपल्स के लिए, एक्ने के लिए, बिकॉज वी ऑल नो एलोवेरा जेल बहुत अच्छा रहता है। आपको भी हैंड टैनिंग हो गई है, एक हाथ काला और एक हाथ गोरा, बहुत अजीब लगता है, बहुत हद से ज़्यादा। आपको क्या करना है, आपको लेना है कोकोनट ऑयल। कोकोनट ऑयल गाइस बहुत अच्छा रहता है टैनिंग के लिए। उसे आपको अपने हैंड पे निकाल लेना है जहाँ पे आपको टैनिंग है, और आपको उसे 1 मिनट तक अच्छे से मसाज करना है, आपको अच्छे से मसाज करना है। एंड फिर आपको लेना है एलोवेरा जेल। एलोवेरा जेल को थोड़ी सी क्वान्टिटी में ले लीजिए एंड देन उसे भी आप अपने हैंड पर मसाज करिए। 2 to 3 minutes तक आपको अच्छे से मसाज करनी है, बहुत अच्छे से। आपकी फिर 2 से 3 दिन के अंदर जितनी भी टैनिंग की प्रॉब्लम है वो एकदम से दूर हो जाएगी। बहुत ही अच्छा हैक है ये टैनिंग के लिए। इससे आपकी हैंड की टैनिंग, लेग की टैनिंग, शोल्डर पे कहीं भी टैनिंग हो वो सब दूर हो जाएगी। आपको 1 कप नॉर्मल डिस्टिल्ड वाटर लेना है, उसमें आपने ऐड करना है 1 बड़ा चम्मच एलोवेरा जेल। एलोवेरा जेल हेल्प करेगा आपके हेयर को रिपेयर करने में। आपको दोनों इंग्रेडिएंट्स को अच्छे से मिक्स कर देना है। अगर आपके हेयर्स डल, ड्राई, रफ और बहुत ही बेजान और रूखे लगते हैं गाइस, तो दिस इज़ फॉर यू। ये हेयर मास्क बहुत अमेजिंग है। आप हेयर वॉश करने से पहले, लाइक 2 से 3 घंटे पहले, आप इस हेयर मास्क को अप्लाई करिए एंड देन आप नॉर्मल जो शैम्पू और कंडीशनर करते हैं वो उससे वॉश कर लीजिए अपने हेयर। आपके हेयर इसके बाद बहुत अमेजिंग स्मूथ हो जाएंगे। मेरे पास ये कॉम्पैक्ट है एज यू कैन सी, और इसकी क्या हालत हो गई है। ये जरा सा मेरे हाथ से बस फिसल गया था, गिर गया था और ये टूट गया है। एंड ये जो लास्ट का चूरा चूरा होता है वो यूज़ नहीं होता है, यूज़ नहीं कर सकती हूँ मैं, तो इसका मैं बना लूँगी कंसीलर। कंसीलर कैसे बनाऊँगी, आपको जो लास्ट का चूरा होता है वो चाहिए। आप इसे कंटेनर में निकाल लीजिए एंड इसे आप, इसमें आप एलोवेरा जेल मिक्स करिए। आपको उतनी क्वांटिटी में एलोवेरा जेल मिक्स करना है जितनी आपको कंसीलर की कंसिस्टेंसी चाहिए। अगर आपको थोड़ा थिक कंसीलर चाहिए तो थोड़ा सा कम मिक्स करिए, अगर आपको थोड़ा थिन चाहिए, रनी चाहिए, तो थोड़ा सा ज़्यादा मिक्स कर लीजिए। उसके बाद आपको डालना है इसमें फ्यू ड्रॉप्स कितनी, जस्ट आपको 1 से 2 या फिर 3, इससे ज़्यादा आपको गुलाब जल नहीं डालना है। ये मैं इसलिए डाल रही हूँ ताकि इसकी जो ब्लेंडिंग, जो ब्लेंड हो रहा होता है वो बहुत अच्छे से ब्लेंड होगा इसे डालने के बाद। ट्रस्ट मी, आप ये वाला हैक ज़रूर ट्राई करिएगा, बहुत अच्छे से ब्लेंड होगा, इसकी कंसिस्टेंसी भी बहुत अच्छी हो जाएगी और ये जो कंसीलर है वो उसका कवरेज भी अच्छा खासा हमें मिल जाएगा। इसके बाद आपको इसे स्टोर कर लेना है किसी कंटेनर में एंड देन आप अपने अंडर आइज पे एज अ डेली बेसिस के तौर पर कंसीलर अप्लाई कर सकते हैं। बड़ा चम्मच एलोवेरा जेल निकाल लीजिए, आप एक बाउल में उसमें डाल लीजिए आप 1 कप तकरीबन पानी। फिर आप इसे फ्रीज भी कर सकते हैं, अगर आप चाहें तो इसे ऐसे भी यूज़ कर सकते हैं। आप इसे स्प्रे बॉटल में स्टोर कर लीजिए, फिर आपको उसे फ्रीज करना है 7 to 8 hours तक। देन आपको अप्लाई करना है, फेस वॉश कर लीजिए पहले आप, उसके बाद आप अप्लाई करिए इस एलोवेरा जेल टोनर को। इसे आप मेकअप से पहले यूज़ कर सकते हैं गाइस, बहुत ईजिली आपकी स्किन में एब्जॉर्ब हो जाएगा। अगर आपकी ऑयली स्किन है, ड्राई स्किन है, ये बहुत इफ़ेक्टिव होगा ये टोनर आपकी स्किन के लिए, और आपके पोर्स के लिए भी बहुत अच्छा टोनर है ये एलोवेरा जेल का। आप इसे रेगुलरली यूज़ कर सकते हैं, इसके कोई भी साइड इफ़ेक्ट आपको देखने के लिए नहीं मिलेंगे। काफ़ी सारे लोगों के पास आई प्राइमर नहीं होता है और मैं भी अभी इन्वेस्ट नहीं करना चाह रही हूँ आई प्राइमर में, और आपको आई प्राइमर खरीदने की नीड ही नहीं है अगर आपके पास एलोवेरा जेल है। यस, आप एलोवेरा जेल को एज अ
आई प्राइमर यूज़ कर सकते हैं और बहुत ही अमेजिंग 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 रिजल्ट देगा आपको। इसे आई प्राइमर बेसिकली करते क्या है ना, जब आप आई प्राइमर लगाने के बाद कंसीलर और कॉम्पैक्ट से अपना बेस सेट करते हैं आई का, एंड देन आप आई मेकअप करते हैं, तो वो बहुत ही फ्लॉलेसली आई मेकअप होता है आपका, बहुत अमेजिंग लगता है। तो आप एलोवेरा जेल को एज अ आई प्राइमर यूज़ करिए, उसके बाद आप अपना बेस सेट करिए एंड देन आई मेकअप करिए, बहुत ही अमेजिंग लगेगा। हेयर ग्रोथ के लिए तो कितनी सारी चीज़ें करते हैं, पर जब बात आती है आपके आई लैशेज एंड आईब्रोज के हेयर ग्रोथ की, तब हम बहुत लापरवाह हो जाते हैं, हम ठीक से केयर नहीं करते हैं। आपको केयर करनी चाहिए, आपको कुछ करना ही नहीं है यार, बस आपको एलोवेरा जेल लेना है एंड 60 सेकेंड्स तक मसाज करनी है अपने आईब्रोज की एंड आई लैशेज की, और उसके बाद जब आप आईब्रोज बनाएंगे मेकअप करेंगे तो बहुत अच्छा लगेगा वो। आपको ये ज़रूर करना चाहिए, लाइक मस्ट मस्ट, मैं तो आपको रिकमेंड करूँगी, हाईली रिकमेंड। एक बड़ा चम्मच एलोवेरा जेल निकाल लीजिए, उसमें आपने मिक्स करना है एक विटामिन ई कैप्सूल, ये आपको बहुत इजीली अवेलेबल हो जाएगा डिस्पेंसरी शॉप से। आपको कट करना है, इसका ऑयल निकाल लेना है, उसे अच्छे से मिक्स करना है और आपका एलो मॉइस्चराइज़र बनके रेडी है। अगर आपकी एक्सट्रीम एक्सट्रीम ड्राई स्किन है, अच्छी खासी ड्राई स्किन है, तो गाइस दिस एलो मॉइस्चराइज़र इज़ रियली गुड फॉर योर स्किन। ये आपकी स्किन को मॉइस्चराइज तो रखता भी है, प्लस इसमें सबसे अच्छी बात यह है कि आपकी स्किन को एक सपल ग्लो देता है। जैसे आप अप्लाई करेंगे ना ये एलो मॉइस्चराइज़र, इससे आपकी स्किन को एक बहुत अच्छा सा गाइस सपल ग्लो मिलेगा और बहुत ही इजीली एब्जॉर्ब हो जाएगी आपकी स्किन में फेस में। सो ट्राई दिस एलो मॉइस्चराइज़र, इट रियली रियली वर्क्स फॉर योर ड्राई स्किन। तो गाइस दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियो, कैसा लगा वीडियो कमेंट सेक्शन में जरूर बताना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना और इस वीडियो को भर भर के लाइक करना। मैं आपसे मिलूंगी अपने अगली वीडियो में, टिल देन टेक केयर, बाय गाइस।